में ट्राली ट्रैक्टर पलटने से 27 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, मेरा नाम महेश मौर है, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से जुड़ी हुई है, जहां पर शराब की शौक ने उजाड़ी कईयों की जिंदगी। चालक की लापरवाही में चली गई 27 लोगों की जाने। कानपुर हादसे की खबर सुनकर हर तरफ मातम छा गया। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक ने इस हादसे में दुख जताया है। शराब की शौक के चलते ट्रैक्टर चालक ने 27 लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर डाला। नशे में होने के चलते चालक ने अपना होश खो दिया और ट्राली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी और 22 लोग तो मौके पर ही काल के गाल में समा गए, जबकि 5 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना पर कमिश्नर डीएम एसपी कानपुर आउटर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने गड्ढे से लोगों के शव किसी तरह निकाले हैं। मरने वालों में सबसे ज़्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के अनुसार सभी मुंडन से वापस लौट रहे थे। ट्रैक्टर राजू निफाद खुद चला रहा था। घटना में घायल एक महिला ने बताया कि वहां से चलने के कुछ देर बाद रास्ते में एक देसी शराब का ठेका पड़ा। वहां पर ट्रैक्टर ट्राली रोकी गई और सभी पुरुषों ने शराब पी। इसके बाद राजू ने ट्रैक्टर तेजी से लहरा कर चलाना शुरू कर दिया। महिला के मुताबिक कई बार उसे टोका गया लेकिन वह माना नहीं। हरदेव बाबा मंदिर के पास पहुंचते ही ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और किनारे गड्ढे में जा गिरा। बताया जा रहा है कि इसमें बारिश का पानी भरा होने से यह तालाब के रूप में तब्दील हो चुका था। दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्राली तालाब में गिरी। 25 लोगों की मौत, 35 से 40 लोग थे ट्राली में सवार। कानपुर हादसे में 27 लोगों की मौत की खबर सुनकर हर तरफ हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग मौके पर दौड़ पड़े। पुलिस अफसर भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू करवाया तो एक के बाद एक शव निकलने शुरू हो गए। मौके से करीब 22 लोगों के शव को पुलिस ने निकाला, जबकि कई घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां 5 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। डूबने और दम घुटने से गई जान। जानकारी के अनुसार ट्राली में सवार जिन 27 लोगों की मौत हुई है, उन सभी की पानी में डूबने और दम घुटने से मौत होना बताया जा रहा है। बताते चलें कि ट्राली तालाब में गिर जाने से कई श्रद्धालु ट्राली के नीचे दब गए थे और कई श्रद्धालु पानी में डूब गए। जिन्हें तैरना नहीं आता था, ट्राली के नीचे दबने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और दम घुट गया। जब तक राहत बचाव का शुरू किया जाता, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। परिजनों को 4 लाख व घायलों को 50,000 देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 इंडिया।